हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द एज ऑफ 17, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली मैं यह मूवी नहीं बल्कि एक जर्नी है जो हर कोई अपने लाइफ में इसको एक बार फेस करता ही है। यह स्टोरी एक 17 ईयर्स ओल्ड नैडिन की है, जो सोचती है कि इस दुनिया में दो ही टाइप के लोग रहते हैं करके। एक वो जो नेचुरल लाइफ में सर्वाइव करते हैं और दूसरों का कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। दूसरे वो लोग जो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो और सारे के सारे मर जाएं। नैडिन एक बहुत ही ऑकवर्ड गर्ल होती है, ना उसकी मम्मी से बनती है और ना ही भैया डेरियन से। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। फैमिली में एक ही थे जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो थे उसके पापा। बट वो जब 13 साल की होती है तब उनके पापा के हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। नैडिन सोचती है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता है करके, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत कम लोगों से मिलती है। उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टा, जिससे वो हमेशा फ्रेंडली रहती है और अपनी दिल की बात कहती है। एक दिन क्या होता है, नैडिन और क्रिस्टा दोनों नैडिन के घर में पार्टी करते रहते हैं। वो दोनों इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिए रहते हैं ना कि उनको खुद को पता नहीं होता रहता है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है करके। नैडिन तो अपने जगह से उड़ भी नहीं पाती, इतना ज़्यादा ड्रिंक कर ली रहती है, और वहीं पर सो जाती है। इसी बीच क्या होता है, क्रिस्टा कुछ सामान लेने के लिए नीचे आती है, तभी उसकी मुलाकात नैडिन के भाई डेरियन से होती है। वो लोग काफ़ी देर बात करते करते वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब नैडिन सो के उठती है तो अपने फ्रेंड क्रिस्टा को अपने पास ना पा करके वो इधर उधर उसको ढूंढने लगती है। जब वो नीचे आकर के देखती है तो दोनों एक साथ सोए रहते हैं। ये सब देख कर नैडिन को बहुत दुख होता है और वो कुछ नहीं बोल पाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टा जब बाद में नैडिन से मिलती है तो वो उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी ना, मेरे को कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। वो बहुत ज़्यादा दुख होते रहता है उसको, क्योंकि क्रिस्टा नैडिन की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके अलावा और किसी को जानती नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उसको माफ़ करने के लिए, तो वो उसको माफ़ कर देती है। ये सब होने के बाद डेरियन को क्रिस्टा से प्यार हो जाता है, और एक दिन जब डेरियन क्रिस्टा को प्रपोज करता है तो क्रिस्टा अपने आप को रोक नहीं पाती है और हाँ बोल देती है। जबकि नैडिन उसको लाख समझाती है कि मेरे भैया जैसे दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, वो तेरा यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करने के बाद तेरे को छोड़ देंगे। बट वो अपनी फ्रेंड नैडिन की बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो डेरियन के साथ चली जाती है। ये सब देख के नैडिन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको भी उससे उसके भैया छीन लेते हैं। इसीलिए वो अपने भैया से और भी ज़्यादा जलन करने लगती है। अब नैडिन बिल्कुल अकेली हो गई होती है, तभी वो अपने सीनियर सर निक को कॉल करती है और डेट के लिए पूछती है, क्योंकि वो निक को पसंद करती रहती है और निक डेट के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन वो लोग डेट के लिए चले जाते हैं तो निक उसको बार बार किस के लिए फोर्स करते रहता है, और नैडिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। नैडिन सोचती है कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो सुसाइड के लिए सोचने लगती है। आई थिंक ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में इस एज में आता ही है, क्योंकि इस एज में हम लोग ना मैच्योर होते हैं ना अनमैच्योर। एक्चुअल रीज़न ये होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब लाइफ इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो वाकई में लगता है ना कि अब सुसाइड के अलावा कुछ नहीं बचा है लाइफ में। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाता है। तो नैडिन को अपने फ्रेंड किम की याद आती है। किम वो है जो नैडिन को बहुत पसंद करता था, लेकिन नैडिन कभी भी किम को पसंद नहीं किया, हमेशा उससे रूडली बिहेव करती रहती थी। लेकिन किम कभी चाह के भी नैडिन से नफरत कर ही नहीं पाया, उसको टेंशन में देख ही नहीं सकता था। तो फर्स्ट टाइम जब उसका कॉल आया उसको, तो उससे तुरंत मिलने के लिए चले गए। जब नैडिन किम से मिलती है ना, तो वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है, क्योंकि किम उससे इतने प्यार से बात करता है ना कि अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उधर डेरियन अपने घर में एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है, और वो चाहता है कि उस पार्टी में उसकी बहन नैडिन भी आए करके। एक्चुअली नैडिन आना नहीं चाहती थी, फिर भी उस पार्टी में वो आती है। वहाँ डेरियन के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, वो कईयों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उससे इग्नोर ही कर देते हैं और यही बोलते हैं कि डेरियन जितना अच्छा है ना, उतना ही तू बुरी है करके। और ये सब सुनकर ना नैडिन को बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है, और वो पार्टी से उठ के चली जाती है। अब नैडिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसको लगता है ना कि उसकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है करके। अब रात में वो अपना घर छोड़ देती है और लास्ट टाइम अपने टीचर मिस्टर बर्नर से मिलने चली जाती है। जो मिस्टर बर्नर होता है ना, वो नैडिन के बेस्ट टीचर होते हैं। तो नैडिन जाके बताती है कि अब मेरी लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है करके, अब सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है करके। इतना कुछ बोलने के बाद नैडिन वहाँ से चली जाती है। अब नैडिन को घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है। जब वो घर नहीं आती रहती है तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और परेशान होकर अपने बेटे डेरियन को कॉल करके कहती है कि नैडिन अभी तक घर नहीं आई है करके। तो डेरियन रात में ही अपने बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब डेनियल को नैडिन मिलता है तो उसको इतना ज़्यादा डांट देता है ना कि बेचारे एकदम से छोटी बच्चियों की तरह रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसको कुछ समझ में नहीं आते रहता है कि अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली उसको भैया भी नहीं समझते रहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होते रहता है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया रहता है ना कि इतने रोते हुए देखती है अपनी बहन को, तो फाइनली उसके भैया को समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। अब ये छोटी बच्ची जाए तो जाए कहाँ,
अपनी बहन को देखता है और उसको अपने गले से लगाता है और दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गिले शिकवे को दूर करते हैं। अब नैडिन पूरी तरह बदल चुकी होती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज जाती है तो उसके फ्रेंड किम का एनिमेशन मूवी का प्रेजेंटेशन होता है, जिसकी स्टोरी होती है एक एलियंस लड़के को एक हाई स्कूल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की उस एलियन लड़के को मना कर देती है। इन सब के बाद लास्ट में जब नैडिन किम से मिलती है तो कहती है कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था। एक तुम थे जिससे मैं कभी भी फ्रेंडली बात नहीं की, हमेशा रूडली बिहेव करती थी, फिर भी हमेशा मेरे को प्यार करते रहे। उसको एकदम से गले मिलती है और सॉरी कहती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।